आपने जो किया है ना, आपकी टीमों का मैं इतना बड़ा फैन हूं ना, रायमन जी आपको बता नहीं सकता। ये मेरा ड्रीम था रायमन जी, मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ काम करने का मौका मिले। एक्चुअली आई नो दैट आई एम अ सुपरस्टार, यू नो, बट ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, इन्होंने मुझे पहचाना। लेकिन सच बताऊँ, मुझे अपने से कोई लेना देना नहीं, मुझे आपसे मतलब है। बहुत ही प्यारी कहानी है बेसिकली, ये उन जिंदगी के छोटे छोटे स्वादों के बारे में है। एंड दिस इज वन ऑफ द स्टोरी कि कैसे जब एक डाई हार्ड फैन अपने इंस्पिरेशन को मिलता है, तो उसमें यही दिखाया है कि अगर आप किसी को आइडलाइज करते हैं तो आप कभी एज नहीं देखते हैं। वो कोई भी एज का हो, जैसा भी हो, इट्स जस्ट अबाउट रियली अडोरिंग दैट पर्सन। एंड वो मोमेंट्स जो आता है, वो मोमेंट कैसा होता है बेसिकली, एंड वो एक क्या फीलिंग होती है जब आप उसको मिलते हो जिसको आप इतने टाइम से एडमायर कर रहे हो। तो ये ज़िंदगी के छोटे छोटे उन पलों के बारे में है, छोटे छोटे उन स्वादों के बारे में है, जो अक्सर हम जिंदगी की भाग दौड़ में भूल जाते हैं। दिल्ली का फूड ट्राई किया आपने अभी तक? जी मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबियों को खाना भी जल्दी लगता है, इसलिए मैं शूट के बाद ज़रूर ट्राई करूँगी, मेरी लिस्ट बनी हुई है। जाना तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि कोविड भी चल रहा है, तो थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बट चाट की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, चिकन की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो ऑल दीज चाट के आइटम्स, ऑल द तंदूरी चिकन आइटम्स, आई एम गोना ट्राई ऑल ऑफ दैट। दिल्ली में कौन सी जगह आपको पसंद है? मुझे दिल्ली पसंद है एज सच, क्योंकि मेरे पापा की पूरी फैमिली इधर है, तो उनके घर जाना, अपने कजन से मिलना, तो मेरे सारे रिलेटिव्स के घर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है मुझे सर, थैंक यू सो मच सर। सर यू नो आई नो दैट आई एम अ सुपरस्टार, लेकिन आपने पहचाना, सिर्फ आज तक किसी ने पहचाना नहीं था, आपने पहचाना। मैं आपको एक बात बताऊं सर, आपने ये जो मुझे मौका दिया है ना रायमा के साथ मिलके ना, मैं फाड़ दूंगा सर, पूरी तरह से फाड़ दूंगा। ये सीन ऐसा बनेगा ना सर, इट विल क्रिएट हिस्ट्री सर, लेट मी टेल यू, इट विल क्रिएट हिस्ट्री। और वो एक बात बताता हूँ आपको, वो जो हीरा होता है ना, डायमंड, हीरे की पहचान एक जौहरी में। तो वो जो मिसिंग पार्ट है ना, वो हम उसको दिखाना चाहते हैं, जो मूवमेंट्स है, जैसे इसमें शी वाज प्लेइंग द रोल मॉडल एंड हाउ अ पर्सन एडमायर्स एंड व्हाट्स हर एक्सप्रेशन व्हेन ही मीट्स, एक रोल मॉडल से जब आप मिलते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, वो मूवमेंट को हमने इसमें दिखाया। बाकी आप आगे आने वाली चीज़ें, सेना जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? मतलब पगलेट वाली फीलिंग आई है, नॉर्मल है ये? नहीं, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आई मीन यू ऑल नो द काइंड ऑफ वर्क ही इज डन, ही सो सीनियर, बट इन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया मुझे सेट पे, एंड इट्स टोटल इट्स लॉट ऑफ फन शूटिंग विद हिम। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यू नो एक सीनियर के साथ काम कर रही हूँ, एंड यू नो दैट आई शुड बी रिजर्व्ड और समथिंग, ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल एंड इट्स टोटल। सक्सेना जी तो आपको देखकर ब्लश कर रहे हैं तब से। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा नॉर्मल एक्सप्रेशन ब्लश वाला ही है। आपका कैरेक्टर इसमें क्या है, इस अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा कैरेक्टर यही है कि मैं दीवाना हूँ रायमा का,
इनका, और इनके साथ काम करने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। मैं एकदम पागल हूँ इनके पीछे पूरी तरह से। See, that's the thing, ये ऑफ स्क्रीन पे हंसाते हैं हम सबको। और फाइनली जब मुझे मौका मिलता है उसके बाद क्या रायता फैलता है वो असली कहानी है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, इनकी चार कहानी में से एक कहानी है, ये एक पहली कहानी है, ये तीन कहानी है जो हमने शूट करी है, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि फिल्म का नाम स्वाद है, तो आप जानते होंगे सभी लोगों के अलग अलग स्वाद होते हैं, तो ये फिल्म किस चीज के स्वाद के बारे में बता रहा है? जिंदगी के स्वाद के बारे में। जिंदगी का स्वाद है, अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले 1.5-2 साल में ये जो कोरोना का चक्कर चला है, हर आदमी स्वाद को ही भूल गया है। ज़िंदगी का क्या टेस्ट होता है, ज़िंदगी का क्या स्वाद होता है, उसको ही भूल गया हर आदमी। हर आदमी परेशान है, दुखी है। आपकी नज़र में क्या टेस्ट होता है ज़िंदगी का? खुशी। आपको खुश रहना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको फिल्में देखनी चाहिए, मॉल्स में जाना चाहिए, आपको बाहर टूरिज़्म करना चाहिए, यही सारी ज़िंदगी का स्वाद है ना। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, इसीलिए सर ये ज़िंदगी में जो आपके नवरस हैं वो सारे स्वाद हैं, जो आप खाते भी हैं, इसलिए आप मसाले डालते हैं ना, तो ज़िंदगी के जो आपके नौ रस हैं वो भी नौ स्वाद की तरह हैं, तो वो नौ तरह के स्वाद हम इन कहानियों के अंदर लेकर आए हैं। आपका स्वाद कौन सा है, मीठा है या नमकीन, आपको कौन सा ज्यादा? या तो मीठा यार, आई हैव अ बिग स्वीट टूथ, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, पंजाबी है, खाते भी दबा के फिर लगता भी दबा कर सारा कंट्रोल करना पड़ता है। बेसिकली एंथोलॉजी सीरीज है, टाइटल है स्वाद, इसमें चार कहानियां हैं, एंड कहीं ना कहीं ये स्वाद कनेक्टेड, एक जैसा आप समझते हैं स्वाद, उससे दिल्ली में तो बहुत ही अब तब खाने के बहुत शौकीन है, तो कहानियों कहानी के अंदर भी कहीं ना कहीं वो स्वाद कनेक्टेड है, और जो एक हम सबकी ज़िंदगी से स्वाद गायब है, कोशिश है कि कहानी के थ्रू उस स्वाद को वापस लाया जाए। और हमारे साथ में बहुत ही जो गुलार सुपर टैलेंटेड एक्टर हैं जो हमारे लिए बॉम्बे से आए हैं, अशोक और एंड सानंद वर्मा, एंड बाकी तो प्लीज़ आप अशोक आपका रोल क्या है कुछ पता है? जी बिल्कुल, सो एज सर सेड, इट इज़ बेसिकली अबाउट द स्वाद, द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, द लिटिल मोमेंट्स जो हम एवरीडे की हसल वसल में, एवरीडे की भाग दौड़ में भूल जाते हैं, दैट लिटिल थिंग्स इन लाइफ आर व्हाट मैटर्स, राइट? सो उसी के बारे में है स्वाद, एक बहुत ही प्यारे मोमेंट्स के बारे में है, जिंदगी में छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, आपके जो अनुभव होते हैं वो यही दिखाया कि आप जिसको एडमायर करते हो, नो मैटर व्हाट द एज, नो मैटर व्हाट द एज यू जस्ट एडमायर दैट पर्सन, एंड जब आप उनसे मिलते हो तो आपके क्या अनुभव होते हैं, आप क्या इमेजिन करते हो वो अलग होता है, रियल लाइफ अलग होती है, तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स के बारे में। झांसी की रानी से लेकर पटियाला बेच तक का जो आपका सफर रहा है, तो आप बताएं कि इस रोल को जब आपने इसकी स्क्रिप्ट सुनी थी तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने एज सच कुछ किया नहीं है ऐसा इससे पहले, आई नेवर प्लेड एन एक्ट्रेस, एंड ऐसा जो यू नो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं उनको एक डिफाइन करने में, उनको प्ले करने में काफ़ी मज़ा आता है, एंड जब मेरी सर से बात हुई, जैसे सर ने नरेट किया बहुत ही यू नो जो डिटेलिंग थी उसकी, जो छोटे छोटे मोमेंट्स की डिटेलिंग थी, आई वाज लाइक आई हैव टू आप थोड़ा सा बताइए इस फिल्म के बारे में, थोड़ा कि इस स्वाद सर ने आपको बताया कि इसमें स्वाद है जिंदगी, अब माइक थोड़ा पीछे करो, जो हमारे कोविड टाइम पीरियड में बहुत मिसिंग है, वी ऑल आर डिसकनेक्टेड, वी आर ओनली कनेक्टेड टू फोन, सो वो जो मिसिंग पार्ट है ना वो हम उसको दिखाना चाहते हैं, जो मूवमेंट्स है, जैसे इसमें शी इज प्लेइंग द रोल मॉडल एंड हाउ अ पर्सन एडमायर्स एंड व्हाट्स हर एक्सप्रेशन व्हेन ही मीट्स, एक रोल मॉडल से जब आप मिलते हैं तो आपको क्या रिएक्शन होता है, वो मोमेंट को हमने इसमें दिखाया, बाकी आप आगे आने वाली चीज़ें। सेना जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको, मतलब पगलेट वाली फीलिंग आई है नॉर्मल है ये? नहीं बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट आई मीन यू ऑल नो द काइंड ऑफ वर्क ही इज डन, ही सो सीनियर, बट इन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया मुझे सेट पे, एंड इट्स टोटल इट्स लॉट ऑफ फन शूटिंग विद हिम, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यू नो एक सीनियर के साथ काम कर रही हूँ, एंड यू नो दैट आई शुड बी रिजर्व्ड और समथिंग, ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल।
सक्सेना जी तो आपको देखकर ब्लश कर रहे हैं तब से। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा नॉर्मल एक्सप्रेशन ब्लश वाला ही है। आपका कैरेक्टर इसमें क्या है, इस अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा कैरेक्टर यही है कि मैं दीवाना हूँ रायमा का इनका, और इनके साथ काम करने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। मैं एकदम पागल हूँ इनके पीछे पूरी तरह से। See, that's the thing, you off screen पे हंसाते हैं हम सबको। और फाइनली जब मुझे मौका मिलता है उसके बाद क्या रायता फैलता है वो असली कहानी। डायरेक्टर सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, इसकी चार कहानी में से एक कहानी है ये एक पहली कहानी है, तीन कहानी जो होंगी शूट करेंगे तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि फिल्म का नाम स्वाद है, तो आप जानते होंगे सभी लोगों के अलग अलग स्वाद होते हैं, तो ये फिल्म किस चीज के स्वाद के बारे में बता रहा है? जिंदगी के स्वाद के बारे में। जिंदगी का स्वाद है, अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले 1.5-2 साल में ये जो कोरोना का चक्कर चला है, हर आदमी स्वाद को ही भूल गया है। जिंदगी का क्या टेस्ट होता है, जिंदगी का क्या स्वाद होता है, उसको ही भूल गया हर आदमी। हर आदमी परेशान है, दुखी है। आपकी नज़र में क्या टेस्ट होता है जिंदगी का? खुशी। आपको खुश रहना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको फिल्में देखनी चाहिए, मॉल्स में जाना चाहिए, आपको बाहर टूरिज्म करना चाहिए, यही सारी जिंदगी का स्वाद है ना। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, इसीलिए सर ये जिंदगी में जो आपके नवरस हैं वो सारे स्वाद हैं, जो आप खाते नहीं इसलिए आप मसाले डालते हैं ना, तो जिंदगी के जो आपके नौ रस हैं वो भी नौ स्वाद की तरह हैं, तो वो नौ तरह के स्वाद हम इन कहानियों के अंदर लेकर आए। आपका स्वाद कौन सा है, मीठा है या नमकीन, आपको कौन सा ज्यादा? तो मीठा यार, बिग स्वीट तो, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, पंजाबी है, खाते भी दबा के फिर लगता भी दबा कर कंट्रोल करना पड़ता है। सचिन जी, कोविड का टाइम चल रहा है, शूटिंग दोबारा शुरू हो रही है, तो आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिया है कि कोविड से बचने के लिए? और हमारी नॉर्मल जो टीम होती है उससे हमारी आधी से भी कम टीम है यहाँ पर। कोविड के अकॉर्डिंगली हमने जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली अब काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरत रही है, चाहे वो सैनिटाइज करना हो चाहे कुछ भी हो, और क्योंकि हमारी मेरे क्रू की सेफ्टी भी उतनी ज़रूरी है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। सर, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया सर ये स्वाद? मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो एज अ राइटर जो हम अनुभव करते हैं, जो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, और ख़ासकर मैं खुद दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में अगर हम दिल्ली की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, जहाँ पर मेरी पहली फिल्म परांठे वाली गली शूट हुई थी, तो परांठे वाली गली से लेकर स्वाद का सफ़र पहले, और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं कुछ अलग अलग तरह के, वो मैं इन कहानियों के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। क्या आने वाली फिल्म का टाइटल भी आपका कुछ खाने से रिलेटेड ही होगा? मेरी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है धर्म जी के साथ में, जो उनकी धर्म जी की पहली शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम है महक,